अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत होंगे। आज बहुत दिनों के बाद दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी दिन पहले आप लोगों के साथ गपशप हुई थी, आज फिर से गपशप करने का मूड बन गया तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ गपशप लगाई जाए। मार्केट की जो सिचुएशन है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे और मार्केट में कुछ इश्यूज हैं लोगों के साथ जो कि मैंने अभी पिछले दिनों में काफ़ी इश्यूज को फेस किया है, तो उन इश्यूज पे भी हम डिस्कस करेंगे। DHSCT की मार्केट के हवाले पे भी बात करेंगे, DHSCT की मार्केट कब मतवक्को है कि वो चलेगी या इस वक्त मार्केट की क्या कंडीशन है, इस वीडियो में हम सब बात करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम जो इश्यूज हैं मार्केट के उनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए ओवरसीज से भी आते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो अंदरून पाकिस्तान से DHSCT में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बहुत से लोग अपने प्लॉट्स सेल भी कर रहे हैं। देखें दोस्तों, ये सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया से कोई भी चीज़ छुपी और ढकी हुई नहीं होती। आप अपने ब्रोकर के साथ डील करने से पहले अपनी रिसर्च खुद से ज़रूर किया करें। आज की मार्केट में जबकि आपके फिंगर टिप के ऊपर हर चीज़ का रेट आपके सामने आ जाता है, उसके बावजूद भी आप लोग जो है वो मुख्तलिफ़ जो है वो ब्रोकरों के हाथों और अपने रिश्तेदारों के हाथों फ्रॉड का शिकार होते हैं। अगर बहुत आसान तरीक़ेकार मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोगों को किसी भी प्लॉट का या किसी भी एरिया की प्राइस चेक करनी है तो आप लोगों के पास गूगल है। आप गूगल पे जाके जैसे आपको DHSCT के Sector 3 के 500 गज का प्लॉट का रेट पता करना है तो आप वहां जाकर लिखें 500 यार्ड प्लॉट करंट प्राइस DHSCT कराची, इंटर दबाएंगे तो 1000 रिजल्ट आप लोगों के पास आ जाएंगे। इसी तरह आपका 300 गज का प्लॉट है सेक्टर 14 में या सेक्टर 2 में तो आप वहां लिखें 300 यार्ड प्लॉट करंट प्राइस DHSCT कराची, आपको आपके प्लॉट की प्राइस फौरी तौर पर आ जाएगी। वहाँ पर दर्जनों प्राइसेस आ जाएंगी, जो ज़्यादा मिलती जुलती प्राइस लगे समझ लें कि जी करंट रेट वो है। फ़र्ज़ करें जी 500 गज के प्लॉट का रेट इस वक्त Sector 3 में 130, 128, 132, 135, 140 ऐसे लोग मांग रहे, लेकिन अगर आपको ज़्यादा जो है वो सर्च करने में आपको ज़्यादा नंबर जो नज़र आ रहा हो, फ़र्ज़ करें जी 130 आपको ज़्यादा नंबर नज़र आ रहा हो तो इसका मतलब है कि 130 के लगभग प्राइस है, लेकिन वो प्राइस भी फाइनल नहीं होती, उस पर भी बार्गेनिंग होती है और अपनी बार्गेनिंग आप लोगों को करनी चाहिए। बहुत सारे लोग आंखें बंद करके ब्रोकर ने मशवरा दिया था जी, हमने ब्रोकर के कहने पर अमल कर लिया और जी अब हमें नुकसान हो गया। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक ऐसा सीन देखा कि जी Sector 3 में 125 गज का जो प्लॉट है उसका रेट इस वक्त 24, 25, 26 लाख रुपए के अराउंड चल रहा है, किसी ने जनाब को 30 लाख रुपए का दे दिया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे व्यूअर्स, आप सबको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए आप निकलें, चाहे वो किसी भी एरिया की हो, सोशल मीडिया पे हर चीज़ का रेट मौजूद है। आप गूगल पे जाकर सर्च करें, आपको जनाबे वाली कई रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने आ जाएंगे, जो आपके मतलब का हो उसके ऊपर आप थोड़ा सा वर्क कर लें। इसके अलावा बात करते हैं कि मार्केट में हर तरह के लोग होते हैं, मार्केट में ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, यूट्यूबर्स ऐसे हैं, हमारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको आजकल ये कह रहे होंगे कि जी प्लॉट ख़रीद लें, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको ये कह रहे होंगे कि प्लॉट बेच दें, मुख्तलिफ़ और मिला जुला रुझान है इस वक्त मार्केट में। मार्केट में इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि अगर आप अपना प्लॉट बेचना चाहते हैं तो आपको ख़रीदार ही नहीं मिलता, और अगर आप प्लॉट ख़रीदने जाते हैं तो आपको अपना मन चाहा
मनपसंद प्लॉट ही नहीं मिलता। ऐसी सिचुएशन मार्केट में चल रही है और ऐसा आजकल हो रहा है। होता यह है कि जब आप बायर बन के आते हैं तो ब्रोकर हजरात जो है उनको पता चल जाता है कि ये जेन्युइन बायर है, तो वो अपनी चीज़ों के रेट टाइट कर लेते हैं। बहुत छोटी सी मार्केट है DHA सिटी की। अगर आप एक या दो प्लॉट लेने के लिए आए हैं तो पूरी मार्केट के सब लोगों को पता चल जाता है कि ये दो प्लॉटों का ग्राहक आ गया है। हम ये सोचते हैं या बहुत से लोग ये सोचते हैं कि नहीं जी, ये बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये बहुत छोटी मार्केट है। एक ऐसे ब्रोकर के साथ आप रابطہ कर लें जो मार्केट में मुख्तलिफ ग्रुपों में मैसेजेस चलाता है, उसको अगर आप ये कह दें कि जी मुझे प्लॉट ख़रीदना है और उसने उन ग्रुपों में जाकर रिक्वायर्ड का मैसेज डाल दिया, तो आप सोचें कि सब तक खबर चली जाएगी कि जी फलां ब्रोकर के पास रिक्वायरमेंट आ गई है और मार्केट में एक वक्त में कोई दर्जनों या 100 या 1000 प्लॉट अवेलेबल नहीं होते, 2-3-4 न प्लॉट जो है वो कोड हो रहे होते हैं। जब वो 2-3-4 ख़त्म हो जाते हैं फिर 2-3-4 और आ जाते हैं, लेकिन एक वक्त में सब अगर कोट करना शुरू करें तो मार्केट और ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। और इसी तरह हर सेलर सीरियस नहीं होता, हर सेलर डिसीज़न नहीं लेता। डिसीज़न वो सेलर लेता है जो ज़रूरतमंद, जिसको ज़रूरत नहीं है वो जब 50,000 लाख रुपये 2 लाख रुपये कम की ऑफ़र आती है वो डिसीज़न नहीं लेता। वो कहता है अच्छा जी मैं रुकता हूँ, थोड़ा वेट करता हूँ। ये तो बात हो गई जी सेलर की और मार्केट के इशूज़। बात करते हैं मार्केट के इशूज़ के ऊपर, तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि क्या अब बाइंग टाइम आ गया है, क्या अब हमें बाइंग करनी चाहिए DHA सिटी में या बहरिया टाउन में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और यहाँ से मार्केट बढ़ना शुरू होगी या और घटना शुरू होगी। देखें दोस्तों, बहुत से लोग सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी मार्केट बस कुछ दिनों बाद चल जाएगी, मार्केट जो है वो थोड़े दिनों में स्टैंड ले जाएगी, मार्केट जो है वो मार्केट में पैसा आने वाला है और पैसा ऐसी तेज़ी से आएगा कि मार्केट में बहुत तेज़ी आ जाएगी। मेरा अपना एनालिस्ट ये है, मेरे जो वर्किंग मैं करता हूँ जिस हवाले से, मैंने ये देखा है कि मार्केट में कोई कुछ चेंजेस नहीं आने लगी, मार्केट में कुछ नहीं चेंज आने लगा, अनलेस जब तक बैंकों का इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं जाएगा। अभी बैंकों का इंटरेस्ट रेट 22-23% चल रहा है। इस्लामिक फ़ंड में आप रखते हैं पैसे, आजकल हम लोग इस्लाम के नाम पर इंटरेस्ट लेते हैं ना, तो इस्लामिक फ़ंड में अगर आप पैसे रखते हैं तो वो 26% तक का मुनाफा दे रहा है। 26% सुन के बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं ना वो भाग जाते हैं, बहुत सारे जो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टियां रखने वाले लोग थे वो भी भाग जाते हैं। फिर एक 7E टैक्स हमारी गवर्नमेंट ने हम पे नाफिस किया था, जिसकी वजह से हमारे काम को, प्रॉपर्टी को ख़ास तौर पर ज़्यादा उन्होंने जो है वो धचका दिया है, 7E जो टैक्स है उसकी वजह से, तो उसकी वजह से भी लोग जो है वो घबराते हैं। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस वक्त बाइंग टाइम शुरू हो चुका है। मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर और करेक्शन आती है तो शायद 5-10% या मैक्सिमम 12% की करेक्शन यहाँ से और नज़र आ सकती है। लेकिन होता ऐसा है कि जब मार्केट में थोड़ी सी भी हवा चलती है, तेज़ी आती है, तो वो 10-12% कब ख़त्म हो जाते हैं वो पता ही नहीं चलता। इस वक्त मार्केट स्लो एंड स्टडी चल रही है और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आने वाले 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का जिनका प्लान है, जो लोग इन्वेस्टमेंट 1.5 से 2 साल, 1 साल के प्लान के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं कि हम साल बाद जो भी मार्केट की सिचुएशन होगी उसको हम सेल करेंगे, तो उनके लिए ये एक प्राइम टाइम है, उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और अगर बैंकों का इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अगर बैंकों का इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाता है तो हम मार्केट में एक तेज़ी देख सकते हैं। जिस दिन से डॉलर कम होना शुरू हुआ है उस दिन से कुछ बेहतरी नहीं आई है, लेकिन कुछ जो है वो मार्केट में जो गिरने की शरह थी, करेक्शन होने की शरह थी, वो रुक गई है। मार्केट में करेक्शन जिस तेज़ी से हो रही थी वो तेज़ी ख़त्म हो गई है, मार्केट अभी स्टैंड स्टिल हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि
डॉलर तो और नीचे जाना चाहिए और जाएगा भी, लेकिन जिस दिन बैंकों ने अपना इंटरेस्ट रेट 2-5% घटाया, प्रॉपर्टी की तरफ ही सारा पैसा आना है और फ़ायदे में वो रहेगा जो आज के दिन, इन दिनों में जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अगर मेरी वीडियो में आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई मतलब की या कोई काम की बात मिली है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।